हम आई शैडो स्टैम्प्स, हाइलाइटिंग पेपर और तो और कलर बदलने वाली लिपस्टिक्स भी पहले कवर कर चुके हैं। इसीलिए इस साल हमारे पास मार्केट में मौजूद अजीब मेकअप प्रोडक्ट्स की एकदम नई लिस्ट है। हम साथ मिलकर देखेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है और किसको नजरअंदाज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक हेयर रिमूवर एक सोल्यूशन माना जाता है आपके फेशियल हेयर की सभी समस्याओं के लिए। आप अपने आईब्राउ, अपर लिप, चिन हेयर और पीच फज को भी साफ कर सकते हैं बिना किसी जलन या रेडनेस के, जैसे कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग में होती है। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत स्लीक और मॉडर्न दिखता है। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका है, इसके हेड को सीधा अपनी त्वचा पे प्रेस करें और छोटे सर्कुलर मोशन में चलाएं। ये बहुत छोटा है कि आप इसे कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइपोएलर्जेनिक और त्वचा पर बहुत सौम्य भी है, इसीलिए आप अपने फेशियल हेयर को स्क्रैच या कट की चिंता किए बगैर निकाल सकते हैं। ये बेशक एक ट्रेजर है और मेरे हैंडबैग में जरूर रहने वाला है। ये आईब्राउ स्टैम्प प्रॉमिस करता है उलझन और गलती के बिना मिनटों में फ्लॉलेस एप्लीकेशन से परफेक्ट आईब्राउज। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका है, ब्राउ के आकार के स्पंज को दिए हुए पाउडर में डालें, अपने ब्राउ बोन के साथ लाइन करें और फिर कलर स्टैम्प करें। ये प्रोडक्ट सिर्फ 3 शेड्स में आता है, इसीलिए सही मैच ढूंढने में तकलीफ हो सकती है, खासकर जब आपके बाल मेरी तरह कलर हो। ये प्रोडक्ट अच्छा भी रहा और नहीं भी। इसने कुछ हद तक एक ब्राउ बनाई, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही पैची और अनइवन था। ये प्रोडक्ट मोटे ब्राउज को फिल करेगा, लेकिन अगर आपकी भी ब्राउज मेरी जैसी पतली और कम घनी है तो आपके लिए पोमेड या पेंसिल ज्यादा बेहतर है, इसीलिए ये मेरे लिए एक टॉस है। ये 2-in-1 मस्कारा बेहतरीन लंबाई और घनापन देने के लिए जाना जाता है, ताकि ऐसा लगे कि आपने लैश एक्सटेंशन लगाए हैं। ये एक पावरफुल ब्लैक वाटरप्रूफ पिगमेंट होने का दावा करता है, जिसमें प्राइमर, सीलिंग मस्कारा और नायलॉन फाइबर्स हैं, जो घनापन का इल्यूजन देते हैं। पहले स्टेप में लैश के जड़ से सिर तक इस्तेमाल करें इन्हें लंबा करने के लिए, और ब्लैक फाइबर को लैश के 1/3 हिस्से पर लगाएं। जितना घनापन आप चाहते हैं उतनी बार मस्कारा लगाएं। मेरी लैशेस पहले से ही बड़ी है, इसीलिए दूसरे मस्कारा भी लंबाई बढ़ाने में काम आ जाते हैं, लेकिन इनके बीच में गैप्स है, इसीलिए इस मस्कारा का असली टेस्ट है कि ये इन्हें घना बनाकर खाली जगहों को भर सकता है कि नहीं, और इसने कर दिखाया। ये थोड़ा सा फ्लेकी है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि ये एक ट्रेजर है। शायद सबसे अजीब मेकअप प्रोडक्ट जो ट्रेंडिंग है वो है ये नोज शेपिंग पिन, जो आपको अपनी नाक पर रोजाना 15-20 मिनट्स इस्तेमाल करना होता है, और ये आपकी नाक के आकार को 3 महीने में ही पूरी तरह से बदल देता है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 2 बड्स को नाक के अंदर पिन करें और 2 पिन्स को नाक के नीचे बाहर की तरफ। इस बनावटी टूल के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, दर्दनाक। मैं इसे एक फेयर चांस देना चाहती थी, ये जानते हुए कि हम एडल्ट्स अब उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं जहां मसाजिंग टेक्निक से हमारे शरीर को आकार देना मुमकिन हो। ऐसा सिर्फ बच्चों में हो सकता है। इसे कुछ मिनट लगाए रखना ही बड़ा दर्दनाक और अनकंफर्टेबल रहा। ये तो बिल्कुल ही बेकार प्रोडक्ट है। मैंने हर उम्र की काफी लड़कियों को इस डिवाइस को इस्तेमाल करते देखा है, जो दावा करता है कि मिनटों में आपके पाउट को निखार देगा, लेकिन मुझे ये बेहद खतरनाक टूल लगता है। अगर आप में से कोई इसे इस्तेमाल करना चाहता है तो अपने चेहरे या त्वचा पर किसी भी गहरे नुकसान से बचने के लिए प्लीज मेरी सलाह माने। अपने मुंह और लिप्स के आसपास मॉइस्चराइज करें, डिवाइस को अपने लिप्स पर रखें और धीरे से सक करना शुरू करें। एक एयर टाइट सील बनने दे और इसे 20-30 सेकंड्स के लिए छोड़ दे, जब तक एक पुल महसूस ना हो। अगर सक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाए तो उंगली की मदद से टूल को निकाल ले। इस डिवाइस को इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है और ये मेरी लिप्स को सही मात्रा में घनापन भी देता है, लेकिन अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये खतरनाक हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स, खरोचे और कैपिलरीज फटने जैसे केसेस सामने आए हैं।
ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए लिप प्लम्पर इस्तेमाल करें जो कि इसके बराबर ही काम करता है। एक पील ऑफ लिप स्टेन जो स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ हो परफेक्ट है मेरे जैसे इंसान के लिए जिसे लंबा चलने वाला नेचुरल मेकअप लुक पसंद हो। आपको बस इतना करना है कि इस जेल को अच्छी मात्रा में ले और अपने लिप्स पर लगाएं जैसे आप किसी भी आम लिपस्टिक के साथ करते हैं और करीब 10 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद निकालें और फिर लिप स्टेन देखें। पील ऑफ बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि ये बार बार टूट रहा था और जो स्टेन मिलता है वो काफी नेचुरल है, तो ये वाला मेरे लिए एक ट्रेजर है। इस पैंडेमिक के दौरान हम और भी ज्यादा सावधान हो गए हैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स की सफाई के बारे में, इसलिए इस टूल ने तुरंत मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी और सोप एक बोल में डालें, एक सूटेबल पकड़ से ब्रश को मिक्सचर में 10 सेकंड के लिए डालें और फिर सफाई के लिए स्पिनर को चालू करें। उसके बाद साबुन के पानी को साफ पानी से बदल लें और ब्रश को वापस रखें। ब्रश को 5-7 सेकंड्स तक घुमाएं एयर ड्राई करने के लिए। सालों तक अपने ब्रशेस को हाथ से साफ करने के बाद ये सच में एक वरदान है। ये अपने दावे अनुसार तेज और आसान है। मेरे ब्रश का शेप खराब किए बगैर एकदम बढ़िया और शानदार सफाई करता है। ये एक ट्रेजर है और मैं इस मशीन को कम से कम 3 या 4 बार महीने में जरूर इस्तेमाल करूंगी। हमें उम्मीद है आपको इन अजीब प्रोडक्ट्स का रिव्यू फायदेमंद और मजेदार लगा होगा। Until next time, stay tuned and stay glamorous.